अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज फॉर यू में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसान और जानवर लाखों सालों से ज़मीन पर मौजूद हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान जानवरों से ज़्यादा समझदार है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जानवर समझदार नहीं होते, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, उसे देख कर आप भी समझ जाएंगे कि जानवर भी समझदार होते हैं और वो भी सोच समझ कर सही फैसले ले सकते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं दुनिया के कुछ समझदार जानवरों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक फौरन से पहुंच सके। मंकी। दोस्तों, बंदरों को इंसान की बनावट कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बंदर किसी भी चीज़ को बहुत जल्द समझ जाते हैं, और पूरी दुनिया में यह वह जानवर है जिसके हाथ इंसान की तरह काम करते हैं, जिस वजह से यह दूसरे जानवरों से समझदार होता है। और इसी बात को साबित करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फल को पत्थर के बड़े टुकड़े के नीचे रख दिया और निकालने के लिए बंदर मेहनत करने लगा। जब उसे पता चला कि वो उसे नहीं हटा सकता, तो उसने वही खड़े आदमी से उसे हटाने के लिए मदद मांगी, और ये प्रूफ था कि बंदर कई चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे ये एक और एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक बंदर ने दूसरे बंदर को पत्थर दिया ताकि वो डिब्बे में से फलों को निकाल सके, और इसकी मदद करने के लिए बंदर ने उनमें से आधे फल दूसरे बंदर को दे दिए। और इसी तरह कई बंदर साइन लैंग्वेज भी समझ सकते हैं, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि बंदर काफ़ी समझदार होते हैं। रेवन। दोस्तों, कौवे को दुनिया का सबसे समझदार बर्ड माना जाता है, और इसी बात के कई सबूत भी हैं, जिसे प्रूफ करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने एक बॉक्स में मूंगफली रख दी और इसके पास कुछ लकड़ियां भी हैं जिससे कौवा उन्हें निकाल सके। कई बार मेहनत करने के बाद कौवे ने मूंगफली को उठा लिया, लेकिन उसे बाहर लाने का कोई तरीका इसके पास नहीं था। इसी वजह से कौवे ने अपनी चोंच से एक हुक बनाया और उसे मूंगफली निकालने के लिए इस्तेमाल किया, और इस बार में दो मूंगफलियों को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, ठीक इसी तरह आपने प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी तो होगी, जिसमें कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए मटके में पत्थर डालता है, और जब पानी ऊपर आ जाता है तो वो अपनी प्यास बुझा लेता है। ठीक उसी तरह बायोलॉजिस्ट ने उसी चीज़ को आजमाने के लिए पानी से बड़े शीशे के तीन ट्यूब लगाए, जिसमें लाल वाले ट्यूब से पत्थर डालने से दरमियान वाले ट्यूब में से खाना ऊपर आ जाता था, और नीले वाले ट्यूब में पत्थर डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये समझते ही कौवे ने लाल ट्यूब में पत्थर डालना शुरू किया और खाना खा लिया। और ये एक्सपेरिमेंट इस बात का सबूत था कि कौवे दूसरे बर्ड से ज़्यादा समझदार होते हैं। पैरट। दोस्तों, पैरट को दुनिया के समझदार बर्ड में से एक माना जाता है, और इस बात को सच साबित करने के लिए एक जाल बिछाया गया, जिसमें अखरोट को इस जाल में रख दिया, जिस वजह से तोता उस तक पहुँच नहीं पा रहा था क्योंकि वो गिलास के अंदर था। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वो बाल को इस तरह से डालकर अखरोट को अपना बना सकता है, और उसने बाल को उठाकर बॉक्स में डाला और अखरोट उसी से टकराकर बाहर आ गया, जिसके बाद बायोलॉजिस्ट ने उसे और मुश्किल बनाने के लिए कुछ ब्लॉक से निकाल दिए। लेकिन फिर भी तोता इसे समझ गया और अखरोट को ठीक उसी तरह बाहर निकाल लिया। हनी बैजर्स। दोस्तों, इस जानवर को हनी बैजर्स के नाम से जाना जाता है। ये जिसामत में छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी जानवर से पंगा लेने में नहीं डरते। ये इतने बहादुर होते हैं कि शेर भी इनसे दूर ही रहते हैं, और इस जानवर को पिंजरे में रखना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि ये बार बार भाग जाते हैं। इसी वजह से पार्क के वर्कर्स ने पिंजरे को तार से बांध दिया ताकि वो बाहर ना जा सके, लेकिन ये इतने समझदार थे कि उन्होंने गेट को बड़ी ही आसानी से खोल लिया और भाग गए, जिसके बाद वर्कर्स ने गेट को और मजबूत कर दिया, लेकिन फिर ये ज़मीन में गड्ढा खोदकर भाग गए, जिसके बाद इनको एक स्पेशल जगह पर रखा गया जहां भागने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर इन्होंने एक नया रास्ता बना लिया। उन्होंने दरख्त की एक शाख को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और फिर भाग गए। इसी के बाद उन्होंने कई तरीके अपनाए और कैसे ना कैसे करके भागते रहे, और उन्होंने पत्थरों का भी इस्तेमाल किया और फिर कीचड़ की दीवार बनाकर भी भागने की कोशिश की, और हर बार ये अलग अलग तरीके से भाग जाते थे,
तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ये जानवर दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं और किसी भी मुश्किल वक़्त में अपनी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।